लेट में तेरा उठ रहा है कोई नहीं बाड़मेर जिले की तरफ भी बढ़ रहा है, इसलिए प्रशासन ने अपने प्रयास भी खूब किए हैं, लेकिन जनता से अभी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो प्राकृतिक आपदा ही है तूफान के रूप में और जिससे भारी जानमाल का नुकसान भी देखने को मिला है, उसके बतौर जैसलमेर ज़िले में भी ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो, और अगर घटना घटित होती है तो उसके लिए प्रिकॉशंस और पूर्व सावधानियां क्या क्या बरती जाए, इस बारे में हमने सभी प्रशासनिक विभागों को, पंचायत राज संस्थाओं को और सभी राजस्व और पुलिस अधिकारियों को यहाँ से एक से अलर्ट जारी किया है कि इस प्रकार की कोई घटना घटित होने पर आप सभी जन सामान्य को इसकी जानकारी दें और सभी आदमियों को, गांव वालों को, शहर वालों को बताएं कि वो सब सुरक्षित स्थानों पर रहें। टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जितने भी हमारे हैं उनसे उनको अवॉइड करें और साथ ही जो पेड़ हैं जहाँ बड़े बड़े हैं उनसे भी दूर रहें, बिजली की जो लाइनें हैं उनसे थोड़े दूर रहें, जिससे कि कम से कम जनहानि की और धनहानि की सुनिश्चित की जा सके। इसके पीछे हमारी मूल मंशा यह है कि चूँकि प्राकृतिक आपदा है, कभी भी घटित हो सकती है, तो हमने केवल एक प्रिकॉशनरी ये हमने सभी को निर्देश जारी किया है और निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से जो भी तैयारियाँ हमारी हो सकती है उसके लिए हमने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को, हमारे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, हमारे पुलिस विभाग, इन सबको और हमारा सिविल डिफेंस है, इन सभी को अलर्ट किया हुआ है। साथ ही प्रत्येक SHO को हमने निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में वो मोबिलिटी बनाए रखें जिससे कि इन इस तरह की घटनाओं पर लोगों में गलतफहमियां पैदा नहीं हो। The radar station. Thank you.
क्यों विजय हटाओ एक माइक भयंकर धूल भरी आंधी आ गई है। अरे सुबह पानी में कूद जा नहा ले या तो अच्छे से शावर ले रहा हूँ पानी।